जो हम लोगों ने लास्ट कन्वर्सेशन में फाइंड आउट किया था, उसमें हम लोगों को ये पता चला था, ये ऑब्जर्वेशन में आया था कि आपके साथ सेल्फ इमेज इशू है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू है जिसको हम लोगों को फिक्स करने की जरूरत है। सेल्फ इमेज में आपने बताया था कि ट्रस्ट, इनसिक्योरिटी, नेगेटिविटी, वरी, ये लेके आपने मेरे से बात की थी, इसको लो सेल्फ बिलीफ वगैरह की बात की थी। तो सर ये जो हो रहा है, ये कोई मुझे इसके लिए, मैंने डॉक्टर्स की भी इसमें वो पढ़ा है, तो उसमें वो बोला है कि रियल होता है, वैसे तो आपका ही परसेप्शन गलत है, आप किस तरह से उसको हैंडल कर पा रहे हो, किसको देख रहे हो, उसको मेडिटेशन की जरूरत हो सकती है, इसको आप मेडिकेशन से भी कर सकते हो, आप इसको जो आपकी वो होती है कौन सी जो यूज करते हैं लगभग, मेरे याद नहीं, हिप्नोसिस, हाँ उससे उसको दूर किया जा सकता है। और एक सर ये विजुअलाइजेशन का जो है, क्योंकि जो हम वर्ड्स कहते हैं सब कुछ करते हैं, अफर्म भी करते हैं, स्टेटमेंट भी करते हैं, न्यू रियलिटीज भी करते हैं, बट उनसे भी ज्यादा फास्ट जो करता है वो विजुअलाइजेशन करता है, आप समझ सकते हो, आप जानते हो। ठीक है ठीक है। तो प्रॉपर विजुअलाइजेशन से किस तरह से अपने जो है इसको बहुत अच्छी स्पीडी उस पर इसको रिप्रोग्राम किया जा सके। और जो एंजाइटी होती है वो केवल थॉट्स को लेके ही तो होती है सर, थॉट्स जो परेशान कर रही है, जो हम गलत सोच रहे हैं या गलत हम परसेप्ट कर रहे हैं, वही तो एंजाइटी होती है, बाकी तो कोई ब्रेन तो वैसे कोई एंजाइटी अपने आप क्रिएट नहीं करता सर। कौन सा ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग वाला थोड़ा सा आप उसमें जा रहे हो, कि मतलब ओवर थिंकिंग जैसा आप थोड़ा सा लग रहा है आपको ऐसा कुछ की केवल ओवर थिंकिंग? हाँ ज्यादा तो नहीं लग रहा, ओवर थिंकिंग तो ये है कि एक के बाद एक इशू, एक के बाद एक इशू, वो नहीं है। नहीं मतलब ठीक है ठीक है, क्योंकि देखिए मगर ये लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था ना, उसमें जो भी आपसे क्वेश्चन आंसर किया था, तो उसमें एक इशू निकल के आया था कि लो सेल्फ इमेज का इशू है मतलब, और हम लोग की जो सेल्फ इमेज होते हैं ना उसका काफी रोल होता है उसका, हम लोग के जो देखिए जो आप सीख कर रहे हो ना, जो पॉजिटिविटी, जो हैप्पीनेस आप सीख कर रहे हो, उसमें हम लोग की जो सेल्फ इमेज होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि हम लोगों ने थोड़ा फाइंड आउट किया था लास्ट टाइम कि क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, तो आपकी वीकनेस में ये चीज आई थी कि आप दूसरों को हमेशा प्लीज या खुश करने की कोशिश करते हो, आप दूसरों की बातों से आप आसानी से डिस्टर्ब हो जाते हो, कुछ भी नेगेटिव होता है तो आप उसको पर्सनली लेते हो, आप सिचुएशन को आप ओवर जनरलाइज करने की कोशिश करते हो, आप अगर आप इमोशनली आपको मोल्ड करना ईजी होता है, आप जजमेंटल होते हो खुद को लेके दूसरों को लेके, फिर और हमने जो कुछ चीजें थोड़ा सा समझा था कि आप खुद की वैल्यू नहीं करते हो, आपको इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, ये सब चीजें आपने शेयर किया था, और भी कुछ था मैं बताता हूँ, अपने आप को आप वर्थलेस फील करते हो, आप खुद में बिलीफ नहीं है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, ठीक है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, ये सब चीजें आपने शेयर किया था। यस सर, ठीक है, ये सारी चीजें फोकस्ड मतलब क्लियर सिग्नल दे रही है कि लो सेल्फ इमेज इशू है, मतलब लो सेल्फ इमेज का मतलब ये होता है कि जब हम लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, मतलब जब अपनी कमियों को हम लोग बढ़ा चढ़ा के देखते हैं या अपने को अपनी कमी के साइड से देखते हैं, ये सब लो सेल्फ इमेज इश्यूज होते हैं। तो देखिए जो आपकी जो डिजायर है, मतलब जैसे जो आपकी जो विश है, मतलब जो सिचुएशन की विश है आपकी या नीड है, और आपकी जो डिजायर है मतलब बेसिकली, उसमें ना देखिए अगर आपकी लो सेल्फ इमेज रहेगी तो हम लोग उसको अटेन नहीं कर पाएंगे। और ये जो सेल्फ इमेज इश्यू है ना, देखिए जैसे आप जैसे कुछ वर्ड यूज कर रहे हो, डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन, ठीक है, इसमें होता क्या है ना कि देखिए जैसे हर एक पर्सन इस फील्ड को अपने अपने एंगल से स्टडी करते हैं, ठीक है, और हर एक लोग कुछ ना कुछ उसमें अपना एक परसेप्शन, कुछ ना कुछ अपना एक डेफिनेशन, अपना कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें होती है ना जो बहुत फंडामेंटल होती है, मतलब जो अनडिनाइबल होती है और जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो उसमें से ये जो सेल्फ इमेज वाला इशू है उसमें से ये एक इशू है, तो हम लोग को इस इशू को तो फिक्स करना ही पड़ेगा, मतलब ये इशू फिक्स होगा तो आपके बहुत से इशू फिक्स हो जाएंगे, ये बात आप समझ पा रहे हो? समझ पा रहा हूँ सर। तो इसको लेके हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स भी समझा था, डिस्कस किया था कि क्या क्या ये ठीक है, अभी मैंने आपको जो शेयर किया उसको लेके आपको क्या कहना है, जो मैंने आपको शेयर किया उसको लेके आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, यही चीज है कि हम जो है अपनी जो वीकनेस है उसको ज्यादा बढ़ा के देखते हैं, उस पॉजिटिव को नहीं दे, अपनी अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको नहीं देख पा रहे।
हमने सोचा कि ऐसे ही हम अपने, अभी तक मैं सोच रहा था कि ऐसे ही हथियार डाल देंगे, लेकिन वो नहीं है, ऐसा नहीं है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जब नेगेटिव उस पे मोड पे चले जाते हैं, ऑटो नेगेटिव ऑटो मोड पे जाते हैं, तो वहां तो नेगेटिव नेगेटिव छोड़ती जाती है ना, फिर उधर से डाइवर्ट करते हैं तो सही से होते हैं, फिर वहीं पहुंचता है मन। क्योंकि तो ये हमारा फोर्थ या फिफ्थ फिफ्थ मीटिंग है शायद ये वाली। तो अभी टाइम तो 2 वीक्स तो हो गए हैं, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो बन चुकी है, पर एक परफेक्शन थोड़ा सा बढ़े तो अपने आप को हैंडल करें, अपनी लाइफ को और अच्छी तरह से एंजॉय करके आगे बढ़े। ठीक है नहीं वो बात मैं आपकी, देखिए जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ आपसे बात करके, देखिए एक तो हम लोग को ये जो जो लो सेल्फ इमेज वाला इशू है, मतलब इस पे हम लोग को थोड़ा सा और फोकस्ड वर्कआउट करने की जरूरत है। ये वाला इशू को हम लोग को मतलब जितना भी जल्दी हो सके इसको एक तो हम लोग को फिक्स करने की जरूरत है। एक तो ये जो हम लोग समझ पा रहे हैं, एक तो ये जो मैं समझ पा रहा हूँ ठीक है, प्लस दूसरा क्या है ना कि जो और आपकी बातों से जो मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि कई बार ना जैसे होता है ना कि जो लाइफ का जो एक फ्लो है, मतलब जैसे जो भी चेंजेस का जो फ्लो है, कई बार ना आपका मतलब ना जैसे मतलब एक्सपेक्टेशन इशू कई बार मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे जितना आप जैसे खुद से या सिचुएशन से आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसका आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड हो रहा है। जैसे मतलब ऐसे समझिए कि जितने कदम हम लोग चल रहे हैं उतने जितना भी हमने वॉक किया उसके लिए थैंकफुलनेस होना, उसको सेलिब्रेट करना, उसको एंजॉय करना, उस पर आपका फोकस ना होके जो गैप्स है मतलब और कितना चलना और बाकी रह गया उस पर आप फोकस कर रहे हो, आपका फोकस उस पर जा रहा है और उससे आपके ऊपर आपके माइंड पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मतलब प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है और एक नेगेटिविटी भी क्रिएट हो रही है। ये मैं समझ पा रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है आप ये बात मतलब समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ? वो समझ पा रहा हूँ, वो समझ तो मैं सब कुछ पा रहा हूँ, लेकिन एक प्रॉपर जो आगे बढ़ने वाली बात है वो चीज नहीं है पाई। समझ तो मैं अपने आप को सारा समझ पा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ, अब आपसे वो करने के बाद कहाँ कहाँ पर मेरे को वीकनेसेस आ रहे हैं, तो ये सब तो आएंगी पाथ में, क्योंकि जब अब इधर की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चले हैं तो ये सब चीज प्रॉब्लम्स तो आएंगी। नहीं ठीक है, लेकिन देखिए जहां जहां पे हम लोग का जो अप्रोच होता है, जहां जहां हम लोग का जो परसेप्शन होता है, जहां जहां हम लोग का जो वे ऑफ थिंकिंग होता है, अगर वो वीक होता है तो हम लोग को फिर वहां पे जो अपनी जैसे ना उसको अपडेट करना होता है, उसको चेंज करना होता है, वे ऑफ थिंकिंग तो ही हम लोग जो डिजायर्ड चेंज चाहते हैं, डिजायर्ड शिफ्ट ला चाहते हैं, वो हम लोग क्रिएट कर पाते हैं, वो हम लोग मैनिफेस्ट कर पाते हैं। ओके ओके, तो ठीक है सर, जो आपकी जो आपका जो लो सेल्फ इमेज आप बता रहे हैं, इसको कैसे अप करना है, हायर लेवल पे ले जाना है, वे ऑफ थिंकिंग कैसे चेंज करना है, ये एक्चुअल में थोड़ा सा हाँ ठीक है, इसको एलाबोरेट। देखिए एग्जैक्टली देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, अगर आपके पास लिखा हो तो आप वो ओपन कर सकते हो। सेल्फ इमेज को लेके कुछ उसमें पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए थे जो मैं या उसमें हाँ कि रेस्पेक्ट योर सेल्फ मोर देन एनी वन इन द वर्ल्ड, ये लिखा था, नो हाँ यू हाँ रेस्पेक्ट यू चूज थॉट्स एंड, ये वाला अलाइन विद, ये था आपका इन योर आईज में था, ऑलवेज प्रोटेक्ट योर सेल्फ रेस्पेक्ट आपने बताया था, कट ऑफ फ्रॉम सोर्सेज हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और यू और वैल्यू यू, कीप एक्सपेंडिंग स्ट्रेंथनिंग यू सेल्फ बाय लर्निंग और डूइंग। ठीक है, ये पॉइंट्स आप समझ पाए थे, आप समझ पाए इन सब पॉइंट्स को आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, समझा इसको। ठीक है आप ये बताओ जैसे मतलब जैसे देखिए हम लोग का जो सेल्फ इमेज को समझने का या इसको जो चेंज करने का एक जो हम लोग का वो पॉइंट होता है या एक जो मैसेज होता है वो ये होता है कि सबसे जी पहले हम लोग को एक स्टेटमेंट है जो आपको बोलता हूँ, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू चेंज अबाउट द थिंकिंग ऑफ सेल्फ टू अकम्प्लिश एनीथिंग। हम लोग को ना देखिए जो हम लोग की जो खुद को लेके हम लोग की जो सेल्फ को लेके जो थिंकिंग है, हम लोग खुद को लेके जो सोचते हैं, मतलब देखिए अभी किसी थॉट पे नहीं जाना है, खुद को लेके हमारी जो ओपिनियन है, मतलब सेल्फ को लेके खुद को लेके हम लोग की जो एक थिंकिंग है, सबसे पहले हमें उस पे वर्क करने की जरूरत है, सबसे पहले हम लोग को उसको चेंज करने की जरूरत है। या फिर आप उसको ऐसे समझो कि हु एम आई, ठीक है, हालांकि थोड़ा सा एक डीपर क्वेश्चन हो जाता है, या ऐसे समझो आप अबाउट, हमारा जो अबाउट मी है, आपका जो अबाउट मी है
हमें उसके बारे में सबसे पहले उसको हमें चेंज करना है कि आप अपने आप को कैसे परसीव कर रहे हो, आप कैसे अपने आप को आप लेते हो। सबसे पहले हम लोग को वो चीज चेंज करना है। वो तो है ही, पहले अपने आप को ही चेंज करना पड़ेगा, तभी अपनी अपना परसेप्शन अपने रिगार्डिंग जो है वो अच्छा करना पड़ेगा ना। नहीं, थिंकिंग अबाउट द सेल्फ मतलब खुद को लेके, खुद को लेके आपका अपने को लेके क्या नजरिया है, सबसे पहले हम लोग को उस पे वर्कआउट करने की जरूरत है। जैसे कि आपने, जैसे आपसे कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछा था कि क्या आप खुद को वैल्यू करते हो, आपका आंसर आया था नो। तो हम लोग को ये, हमें ना जैसे ठीक है, अगर आप अपने आप की वैल्यू नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप एक बात समझिए, हम लोग को ना इन चीजों को थोड़ा सा ब्रेक करने की जरूरत है। सपोज कीजिए कोई पर्सन है जो अपनी वैल्यू कर रहा है, बहुत वैल्यू करता है, और एक पर्सन है जो अपनी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। देखिए, जो पर्सन अपनी वैल्यू कर रहा है उसके पास रीजंस है, मतलब उसके पास रीजंस है कि अपनी वैल्यू क्यों करना है। उसको अपनी अचीवमेंट का पता है, उसको अपनी हार्डवर्क का पता है, उसको अपनी जो भी अच्छी स्ट्रेंथ वाली चीज है उसका पता है। और जो अपनी वैल्यू नहीं कर रहा है उसको अपनी नेगेटिव चीजों को देख रहा है, ठीक बिल्कुल है। तो आप कैसे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप अपनी वैल्यू, जैसे आपने मुझे शेयर किया तो आंसर कहीं कहीं सही है आपके लिए, आप अगर वैल्यू अपनी नहीं कर रहे हो आप, या अभी तक नहीं करते थे, तो उसका क्या रीजन था, आप अपनी वैल्यू क्यों नहीं करते हो आप? तो वो वैल्यू एक्चुअल में क्या था कि वैल्यू इसलिए नहीं कर पाए कि एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स जो था अपने आप में, एग्जैक्टली वो और क्या इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स किस चीज को लेके है या था, कि आपको कहाँ, आप अपने आपको कहाँ पे कमजोर पाते हो, क्या आपको अपने में क्या कमी लगती है आपको? कमी ये था कि प्रॉपर कन्वर्सेशन नहीं कर पाता था थोड़ा सा, जो मतलब जब मैं अपनी स्टडी वगैरह करता थोड़ा सा इनफीरियर लगता था कि जो लोग कर चुके या मैं नहीं कर पाया, वहां पे जाके थोड़ा इनफीरियरिटी आती थी। जो मैं चाहता था कि मुझे ये चाहिए वो नहीं हो पाया। वो क्यों नहीं हो पाया सर, जो मेन प्रॉब्लम थी वो वही थी, एंजाइटी थी। मुझे बहुत क्लियरली अब बहुत उससे आ रहा है कि मैं पढ़ने के लिए भी बैठा पढ़ रहा, मैं सब कुछ अब्जॉर्व कर रहा हूँ, लेकिन एंजाइटी कहीं ना कहीं, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो वो बॉदर करती थी। उस बॉदर के चक्कर में हम अपने आप को सप्रेस करते हुए चले गए, सप्रेस का हमेशा अपना सप्रेशन ही किया अपने आप को, चाहे वो मेडिसिन के थ्रू हुआ या अपने आप को, क्योंकि जब एंजाइटी में रहते तो अपने आप को एक उस पे ले आए थे, डिफेंस डिफेंस मैकेनिज्म पे ले आए थे कि अपने आप को डिफेंस करना, बस यही रहता था, बस और कुछ नहीं आता था उस। ठीक है, वो तो पास्ट था। अब इस मोमेंट की क्या रियलिटी है, इस मोमेंट की क्या रियलिटी है? फिर से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या अभी भी आप अपनी वैल्यू, अभी आप अपनी वैल्यू कितनी करते हैं, कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, नहीं करते हैं, इसको लेके क्या कहना है आपको? नहीं, अब थोड़ा वैल्यू करने लगा हूँ अपने आप को लास्ट आपके उसके बाद, जब क्योंकि कहीं ना कहीं जब अपने आप को हैंडल कर पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो डेवलप होता ही है सर उससे। तो ये ठीक हमें है। लग रहा है कि मैंने 2 घंटे अगर मैंने, चलो वर्ष अगर मैंने स्पेंड किए हैं, लेटर ऑन एनी हाउ मैंने मैनेज किया अपने आप को, कैसे घूम के फिर के चाय पी के पानी पी के इधर करके बात करके उधर उधर करके, तो थोड़ा सा आता है जैसे कि वहां गया था आज काम से, कहीं गया था ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिसर्स में गया था काम के लिए, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उससे फिर निकला बाहर कि कुछ नहीं होगा, तो फेस कर उनको, फेस कर, तो उनको फेस करा, थोड़ा फेस किया तो अच्छा लगा। ठीक है। अभी आप मतलब प्रेजेंट टाइम पे आप अपनी वैल्यू आप लो कर रहे हो, एवरेज कर रहे हो, हाई कर रहे हो, आप लो मीडियम हाई में क्या चूज करोगे? प्रेजेंट टाइम की रियलिटी क्या है? प्रेजेंट में तो अभी एवरेज ही मान सकते हैं। और वो जो गैप है एवरेज और हाई के बीच में, वो गैप क्यों है, क्या रीजन लगता है, क्या कमी दिखती है? आप अपनी वैल्यू जो कर रहे हो क्यों, क्या कमी दिखती है जिस वजह से आप अपनी पूरी वैल्यू नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी आप रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्या कमी है आपके अंदर? कमी सर एक्चुअल में जो कमी है वो एक्चुअल में क्या है कि एक तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं घबराहट सी रहती है हर समय, समझ पा रहे हो ना, घबराहट की वजह से मैं उतना प्रॉपर अपने आप, जब सही होता है तो वैल्यू तो उतनी वैल्यू हो जाती है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं इतना ऊपर पहुंच सकता हूँ। लेकिन क्या है कि जैसे कि थोड़ा सा पैरों में टेंशन सी रहती है नीचे, पता नहीं क्यों हो रही है, एंजाइटी की वजह से थी या पहले थी, अब भी 2-1 दिन से हल्की सी वो फील हो रही है। बाकी
जैसे सुबह भी बात हो रही थी बैठे थे, जब बैठे बात कर कन्वर्सेशन में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वहाँ और ज्यादा बेटर लगता है। लेकिन जब व्हेन आई एम अलोन एट होम तब मुझे प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि जो अकेले होते हैं तभी तो थॉट्स को थॉट्स पे ध्यान देना है। वहां पे अगर आप पब्लिकली काम करें तो वहां आपको वर्ड्स पे ध्यान रखना है, घर में आप अकेले हो या कहीं भी अकेले हो तो आपको थॉट्स पे अटेंशन पे करना है। वो हो नहीं पा रहा है अभी, अभी समझ पा रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि काफी समय से प्रैप्स की काफी लंबे समय से ये था तो अभी एक पाथवे बनने में टाइम लग पा रहा है शायद। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ी बहुत कभी घबराहट रहती है, इसलिए आप अपनी खुद की वैल्यू उतनी नहीं कर पा रहे हो आप। हाँ सर, एक्चुअल में क्या होता है कि जब घबराहट होती रहती है तो फिर किसी तरफ ध्यान, या तो ध्यान वहीं रहता है सिर्फ अपने सर पे या पैरों पे, जो घबराहट से होती है जहां जहां रेस्पॉन्स होता है उसका घबराहट का, वहीं वहीं पे ध्यान रहता है। ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर आपको घबराहट होती है, ठीक है, मान लीजिए होती है, ठीक है, अभी उसको लोग समझेंगे कि क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है, अगर आपको घबराहट हो रही है तो उसकी वजह से अपनी वैल्यू कम करना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, ये आपको ठीक लग रहा है, ये सही अप्रोच है? नहीं, अप्रोच तो सही नहीं है ये, बट क्या होता है कि सर मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें बिजी रहने के बाद फिर टाइम नहीं मिलता, फिर मन करता है कि, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि जब ज्यादा इंडल्स रहते हैं थिंकिंग में या नेगेटिविटी में ज्यादा रहते हैं तो सारी एनर्जी तो वहीं कंज्यूम हो जाती है ना, फिर तो बॉडी तो बहुत लेथर्जिक सी लगती है ना, मन बिल्कुल करता है लेटने का, लेट जाओ ये कर लो, पर जो है मजा नहीं ठीक आता। है, बिल्कुल ठीक है, ये सब इश्यूज हैं। देखिए, लाइफ में, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, ये बात आप मानते हो? यस सर, बिल्कुल है, सबकी डेफिनेटली है। सब अब हाँ तो मैं काफी देख पा रहा हूँ, मैं अब इतना देख पा रहा हूँ कि लोग बाग तो हमसे भी वर्स कंडीशन में सरवाइव कर रहे हैं, हमारे से भी ज्यादा वर्स कंडीशन है। लोग फाइनेंशियली भी बहुत परेशान है, मोरली मेंटली भी परेशान है, मोरली भी परेशान है, सपोर्ट भी नहीं है लोगों को बहुत। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सर, जो ये है कि जो मैं कहना चाहूंगा कि भाई आप जैसे जो आपके जो मॉनिटर्स जो आए हैं उनके थ्रू लोग आप भी अपनी लाइफ को काफी बेटर बना पाए हैं, और बहुत से लोग बेचारे वो इस चीज को समझ नहीं पाते, वो सफर भी कर रहे हैं वो लोग। क्योंकि मैं अभी एक डॉक्टर से ऐसे ही वो हो रहा था तो उसने कहा था कि जो मेडिसिन के लिए, मैंने कहा भाई मेडिसिन ले लूं, उन्होंने कहा कि अगर आपका टाइम, अगर आप, मैंने कहा कि सर मेरी वो काउंसलिंग के लिए मैं कर रहा हूँ, तो उसमें बोला है कि मेडिसिन तो आपको है कि देखो क्योर तो करती नहीं है कभी भी, परमानेंट क्योर नहीं, जड़ से खत्म नहीं करेगी, लेकिन जो टाइम सफरिंग कर रही है, जब आपके पास ऑप्शन है तो आप मेडिसिन लेने के साथ साथ अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसमें वो बहुत ज्यादा कहीं बेहतर वो हो जाएगा। उसमें ये कि आप 6 महीने 1 साल भर अपना दवाई खा के आप उसको धीरे धीरे खत्म कर दीजिए, आपकी दोनों चीज सही हो जाएगी। क्योंकि आप एक्चुअल में समझ पा रहे हो, आपको अंडरस्टैंडिंग बन रही है आपके जो भी काउंसलर हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि जो वो आपको कह पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, शायद आप इसकी वजह से, मतलब जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने आप में भी, उसकी वजह से शायद उधर भी फोकस ना कर पा रहे हो आप। ये बात मेरी उनसे हुई थी। ठीक है, मतलब ये करें कि मेडिसिन से थोड़ा सा आप जो प्रॉब्लम फेस करो वो कम हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। वो तो डेफिनेटली कम हो जाएगी सर, वो मुझे पता है कि वो कैसे होगी। जो आपका सीरोटोनिन होता है जो हम वैसे बढ़ा रहे हैं वो एकदम नहीं बढ़ पा रहा हमारे, क्योंकि बहुत उसके लिए बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा तब जाके वो सीरोटोनिन लेवल उस लेवल पे पहुंचेगा, समझ पा रहे हो। तो उसमें क्या है कि जो ये गैप है, मान लीजिए आप मेरे को चेक कर रहे हैं, समझ आपसे गया। कई बार आप ये हुआ कि आपने कुछ मेरे को वर्कआउट दिया, वो वर्कआउट नहीं हो पाया क्योंकि मैं उधर एंगेज रहा या कोई उधर दूसरी तरफ एंगेज रहा, तो मतलब ये था कि ये कोई नशा नहीं करता, ये भी पक्की बात है, नशा नहीं होता इनमें कोई भी, जो एसएसआरआईज होती है ये क्या करती है कि जो आपके अंदर सेरोटोनिन है उसको नया नहीं बनाती, जो सेरोटोनिन आपका अंदर होता है उसका रीअपटेक, मतलब जब मन हैप्पी रहेगा तो उसका फर्दर कंजम्पशन तो कम हो जाएगा, और उसको पूरे सेल्स में जो पूरे न्यूरॉन्स है उसमें उसको दोबारा से वो कर देंगे, उसको पूरी तरह से न्यूरॉन्स में जाएगा, उसको मतलब एक प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज कर देती है वो दवाइयाँ, उसको रोक देती है, इनहिबिटर जो होता है, सिलेक्टिव जो होता है
तो फर्दर जब मूड अच्छा है, फर्दर कंजम्पशन उसका कम हो जाएगा, मूड हैप्पी रहेगा, वहां पे आपके थॉट्स भी रुकेंगे, थॉट्स रुकने के बाद क्या होगा कि आप अपने वर्कआउट को अच्छा कर पाओगे। जब आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ लाओगे और अपने आप को उस लेवल पे लाओगे, तब जाके आप दवाई छोड़ जाए। ठीक है, मतलब आप ये बात समझ पा रहे हो कि प्रेजेंट सिचुएशन में अगर हम लोग काउंसलिंग और मेडिसिन दोनों मिक्स करेंगे तो सिचुएशन और बहुत बेहतर हो सकती है, आप ये कहना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल होगी सर, जब मूड अपलिफ्ट होगा, आप जो ठीक है, आपकी जो कन्वेंसिंग, जो आप जो कन्वेंस कर पा रहे हो, जो आप कर रहे हो, जो आप चाहते हो, तो उसके मोर लिए फास्ट कोई हो अगर पाएगा, सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिल भाई जाएगा, आपका, जब मेरा मूड अच्छा रहेगा तो मैं उस समझ चीज को गए करने के लिए भी, आपने मुझे दिया डीपली, वर्कआउट दिया, बिल्कुल ठीक अब मैं बात उसको है। दोबारा से पढ़ूं, अच्छी से समझूं, जैसे आपका आज वीडियो आया था वो उसको पढ़ा देखा थोड़ा, उसमें तो ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं था, तो थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर थोड़ा सा अगर मेडिसिन ली जाए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो क्या है कि जो आपका जो हार्मोन्स है, जो ये सेरोटोनिन जो होता है, इसको प्रॉपर मतलब फर्दर जो डी कंज्यूम हो रहा है उससे बच जाएगा, ये आपका मूड हैप्पी मतलब अपना ऊपर आ जाएगा, आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स में उसका सर्कुलेशन मतलब उसका प्रॉपर यूटिलाइज हो पाएगा उसको, तो समझ गया मैं आपकी बात। नहीं ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेडिसिन, क्योंकि देखिए मतलब हम लोग की पहले कोशिश तो यही होती है कि जो काम मेडिसिन करें वो हम लोग थॉट से और ऑर्गेनिक लेवल पे कर ले, कोशिश तो हम लोग की यही होती है, क्योंकि बेस्ट अप्रोच तो यही होता है कि अगर हम लोग मेडिसिन की के बिना वो चीज कर ले, उसमें आप ये कर सकते हो कि थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, 1 हफ्ते का 10 दिन का, ठीक है। क्योंकि हम लोग ना, हम लोग क्या करें, कंसिस्टेंट हम लोग जो जो भी नेगेटिव एलिमेंट है उसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि बिना मेडिसिन के हम लोग वो चीज अटेंड कर लेंगे। लेकिन ओके अगर लगता है कि हफ्ते एक आप टाइम फ्रेम ले लो, आप 1 हफ्ते दिन 10 दिन जो भी आपको ठीक लगता है, 15 दिन महीना भर, अगर आप अपने आपको एक वो देखो तो कि अगर हम लोग उसने टाइम में अपने उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग मेडिसिन का सपोर्ट ले सकते हैं, ये एक अप्रोच हम लोग ले सकते हैं, ये स्ट्रेटजी हम लोग ले सकते हैं। वही वही चीज ना सर, वही चीज मैं कहना चाह रहा था। हाँ, तो हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश यही करें कि मेडिसिन ना ले तो ज्यादा ठीक है, अगर लग रहा है कि नहीं ठीक है, अगर मेडिसिन से चीजें अगर स्पीड अप हो रही है तो हम लोग ठीक है, फिर हम लोग जा सकते हैं, मतलब। क्योंकि थोड़ा सा बस यही है कि थोड़े टाइम के लिए ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हाँ ठीक धीरे है, धीरे रिड्यूस वो कर दें। हाँ वो तो रिड्यूस का मतलब लेना भी आप कम से धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो, तो किया जा सकता है, कोई बहुत ऐसा वो नहीं, क्योंकि देखिए वो मेडिसिन अगर आप लेते भी हो तो मेडिसिन तो छूटनी छूटनी है, मतलब, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये मेडिसिन तो आपको छुड़ा देगा, मतलब, क्योंकि जब आप नेचुरली वो चीजें ऑर्गेनिक वे में क्रिएट कर पाओगे फिर मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कल मैं कुछ कर रहा था तो मैंने माइंड में अपने आप को इतना खुश रखते हुए वो काम किया कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अपना भी लगा कि यार तो बिल्कुल मेरा जो मूड है वो बहुत लाइट हो गया, क्योंकि तो उस पॉजिटिव वे में लेके, और मुझे लगा कि जो अपना काम करना है वो बहुत अच्छे से, बड़े अच्छे दिमाग मतलब वो लेके करना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, तो अच्छा लगा। लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा कि मैं सर से पूछ लूंगा, थोड़ा सा थोड़ा ये जो फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है ना, उससे फिजिकल लेवल दूर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि जब ब्रेन में थोड़ा सा हार्मोनल जो इम्बेलेंस तो थोड़ा बहुत हो जाता है, क्योंकि हर समय क्या एक्चुअल में क्या है कि जो आदमी नेगेटिविटी में ज्यादा रहता है तो डिप्लेशन होता है सेरोटोनिन का, जो हार्मोन होता है उसको डिप्लेशन होता है, वो डिप्लेशन रुक जाए, उधर मूड अच्छा हो जाए, इधर आप मैनेज करना सीख जाए, क्योंकि जब हम मैनेज करना सीख जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि जो ये मेडिसिन है वो क्यों नहीं काम करती, वो इसलिए काम नहीं कर पाती कि होता क्या है कि बंदा को जब तक वो खा रहा है तब तक ठीक है, लेकिन उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो काउंसलिंग होनी हाँ चाहिए थी जो बोलते हैं भाई, हाँ बिल्कुल ठीक बात उसको है, मैं समझ मैनेज गया। आगे आगे मैनेज करना तो उसको आ जाए, जब वो मैनेज करना तो जानते नहीं मेडिसिन पे खा रहा है, उसको अंडरस्टैंडिंग उसकी वहीं की वहीं बनी हुई है, तो जैसी छूटेंगी वो वैसी वो दोबारा से उसमें आएगा, ठीक तो उसके लिए बेटर यह है कि अपनी जो काउंसलिंग जो साथ साथ बताई गई है, जो काउंसलिंग होती है, बिल्कुल काउंसलिंग से आदमी मैनेज कर, क्योंकि काउंसलिंग से एक प्रॉपर वो तो आ गया भाई, आप उस चीज से दवाइयों से उधर निकल गए, इधर आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन गई कि मुझे कैसे मैनेज करना है, कैसे चीजें लेनी है, तो बहुत इजी हो जाएगा, फिर आपकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। वो सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए मतलब वो बात तो ठीक है, लेकिन क्या है ना कि देखिए, एक तो हम लोग को लॉन्ग टर्म में अप्रोच ये रखना है कि मेडिसिन पे ठीक है, हो सकता है अगर आपको थोड़ी सी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आपकी जैसे काफी लंबे टाइम तक मेडिसिन का कहीं कहीं रोल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, और जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा उसका ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा रहा है, मतलब, यस सर, ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मेडिसिन का सपोर्ट हम लोग ले सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, और वो हम लोग और उस पर बात कर लेंगे, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते, जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ठीक है, मान लीजिए हमने मेडिसिन लिया भी और मेडिसिन छोड़ भी दिया,
क्योंकि अगर मेडिसिन लेंगे तो एक सपोर्ट के लिए लेंगे, और इसलिए लेंगे कि थोड़ा टाइम का एक सपोर्ट करने के बाद हम लोग मेडिसिन से फिर से छोड़ भी दें, मतलब 1 महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में, जो भी एक ड्यूरेशन हो। अब हम लोग सोचिए कि मेडिसिन हमने छोड़ दिया, ठीक है, हम लोग उस स्टेज में आ गए, तो भी हमारा जो स्टेट है, हम लोग का जो इमोशनल स्टेट है, वो हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेगा। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा हम मतलब देखिए, आपको हर तरह के इमोशंस आएंगे, पॉजिटिव इमोशंस भी आएंगे, नेगेटिव इमोशंस भी आएंगे। तो कई बार नेगेटिव इमोशंस आएंगे, थोड़े टाइम रुकेंगे, फिर वो जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर नेगेटिव इमोशन नहीं आएगा ना हमें, अगर हमें सैडनेस थोड़े टाइम की नहीं होगी, तो हम लोग हैप्पीनेस को फील ही नहीं कर पाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हैप्पीनेस होता क्या है। फिर मतलब मेरा मैसेज ये है कि देखिए, जब भी कभी भी थोड़ी सी नेगेटिविटी है, अलग अलग रीजन से आती है, कई बार वो हमें हेल्प करने के लिए आती है, और कई बार हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कई बार ठीक है उसका एक फेज ही होता है कि थोड़ा सा हमें लो फील होता है, अपने आप फिर ठीक हो जाता है, वो नेचुरल वो साइकिल है। तो वो जो हम लोग को नेगेटिव इमोशन आएगा, वो भी हमें हैंडल करना है, उसमें परेशान नहीं होना है, मतलब हमें उसको भी ठीक है, मतलब देखिए थोड़ा परेशान तो करेगा, लेकिन हमें उसमें इतना परेशान नहीं होना है कि हम मेडिसिन के बारे में सोचने लगे, या हमें उसको भी मतलब जैसे अवेयरनेस उस टाइम को भी हमें काटना है, मतलब जैसे उसमें जो ऑर्गेनिक तरीके होते हैं, ऑर्गेनिक तरीका ये होता है कि थोड़ा सा बाहर घूम लिया, थोड़ा सा फ्रेंड से बात कर लिया, रिलेटिव से बात कर लिया, ये सब कुछ तरीके होते हैं जिससे वो चीज रिलीज हो जाती है, वो ऑर्गेनिक तरीका होता है। तो वो आपको सीखना पड़ेगा, चाहे वो आप मेडिसिन छोड़ने के बाद आप वो चीज करो, या हम लोग अगर आप पहले ही वो कर लो तो क्या पता मेडिसिन की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, इसको आप कहीं से भी वैलिडेट कर लो, मतलब जैसे देखिए, अगर जैसे मान लीजिए हम लोग को जितने भी स्टेट होते हैं, हम लोग के जितने भी इमोशंस होते हैं, ये तो नहीं हो सकता ना कि हम लोग हमेशा पॉजिटिव स्टेट में रहे। स्टेट तो चेंज होगा ना, लाइफ में है, कभी नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि देखिए जब हम लोग को नेगेटिविटी आती है, फिर जो पॉजिटिविटी आती है, तो उस जो पॉजिटिविटी की जो फ्रेशनेस होती है, जैसे दिन रात का रिलेशन है, थोड़ा कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत रहेगा, मतलब थोड़ा बहुत रहता है, मतलब वो चीज। वो मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे जस्ट लाइक यू, आप बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो आप इमीडिएटली आप अपने आप को नेगेटिविटी आएगी, आप उसको महसूस भी कर लेंगे, उससे निकल भी जाएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली। लेकिन जो काफी समय से कोई भी बंदा उसमें पहले से इंडल्ज है इतना, तो उसको तो सर थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं वही कह रहा हूँ, देखिए आपकी जैसे चीजों को अंडरस्टैंडिंग का वो बड़ा अच्छा रहता है, वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं आपको बताऊं कि ना कई बार चीजों को आप समझ लेते हो, मतलब कई बार मतलब डीपली चीजों को आप समझ लेते हो, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मतलब क्योंकि ये ना चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ा समझना सबके लिए इतना आसान नहीं होता है। जी सर, ठीक है। तो अगर लग रहा है तो हम लोग मेडिसिन का सपोर्ट थोड़े टाइम के लिए ले लेंगे, मतलब उसको इतना ज्यादा सोचना ही नहीं है, मतलब वो। अब हम लोग अपने उन पॉइंट्स पे आते हैं जो जो आपका जो नेगेटिविटी क्रिएट हो रहा है, उनको हम लोग किल करने की थोड़ी कोशिश करते हैं। यस सर, यस। देखिए, एक इशू है जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, वो आपका जो लो सेल्फ इमेज इशू है, इसको फिक्स करना हम लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है। अब आपका जो सेल्फ इमेज लो हुआ है, वो जिन जिन रीजन से हुआ है, जिन जिन गलत परसेप्शन से हुआ है, उन सबको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, देखिए, अभी हम लोग का जो एक अप्रोच है, जिस अप्रोच हम लोग वर्क करते हैं, उसका ना उसमें एक वर्ड यूज करते हैं, अंडरस्टैंडिंग। अगर हम लोग किसी चीज को डीपली अंडरस्टैंड कर लेना, तो हम लोग उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम लोग किसी भी चीज को डीपली अंडरस्टैंड कर लें, राइटली अंडरस्टैंड कर लें, तो हम लोग कई अपने लाइफ की अनहेल्दी अप्रोच से, बहुत सी प्रॉब्लम से हम लोग बाहर आ जाते हैं। ऐसी आप एक प्रॉब्लम कर रहे हो, कैरी कर रहे हो, जो कि आपकी सेल्फ इमेज को पुल डाउन कर रही है, लो कर रही है। यस, ठीक है। उसके एक एलिमेंट पे हम लोग बात कर रहे थे, उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। आपने ये बोला कि आपको घबराहट होती है, ठीक है। yes. आपको घबराहट होती है, इस वजह से आपका जो सेल्फ वैल्यू है, आप कम कर रहे हैं। यस सर, लैक कर रहा हूँ। आप लैक कर रहे हैं, तो मैं आपको ये कन्वे करना चाहता हूँ कि देखिए, घबराहट होना, कई बार स्ट्रेस होना, नेगेटिव थिंकिंग आना, ठीक है, ये सब लाइफ का एक इशू है, मतलब जो कि किसी को भी हो सकता है, किसी भी टाइम पे किसी को भी हो सकता है, सिचुएशन की वजह से, किसी भी रीजन से हो सकता है। yes, sir. लेकिन अगर हमें ऐसा कुछ इशू है, तो हम लोग उसका सॉल्यूशन ढूंढना हमारे लिए ज्यादा ठीक है, रादर देन कि अपने आप को छोटा करके देखने लगना। देखिए, इशू तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ है ना। यस सर, बिल्कुल। लेकिन इशू है, इसका मतलब अपनी अपनी वैल्यू कम करें, ये तो गलत अप्रोच है।
बिल्कुल या इश्यू है इसलिए हम अपनी वैल्यू कम करें, ये तो मतलब ये तो अनहेल्दी अप्रोच है, क्योंकि यस इशू तो यस सबके लाइफ में आते हो, चाहे देश का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे एक्टर्स हो, ठीक है। आप देखो कई बार जो एक्टर्स होते हैं उनके लाइफ में इतने इश्यूज आते हैं कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल मतलब मेरा मैसेज बस ये है कि देखिए लाइफ में इशू होना, अगर लाइफ में इशू है तो इसका बस इतना मतलब है कि ठीक है कुछ इशू है, अच्छी बात है, हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं, और वो इशू ठीक भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम लोग की लाइफ में अलग अलग स्टेज पे अलग अलग इशूज आते रहते हैं, वो नेचर ऑफ लाइफ है। यस जैसे मान लीजिए जब हम लोग स्कूल में थे तो हम लोग अलग इशूज फेस कर रहे थे, टीनेजर थे अलग इशू फेस कर रहे थे, मतलब लाइफ के अलग अलग स्टेज में अलग अलग इश्यूज आते ही रहते हैं, वो आते ही जाएंगे, वो उसमें कुछ वो लाइफ का नेचर ही है मतलब। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल इसका मतलब लोग अपनी अपने आप की अपनी वैल्यू कम करें उसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। ओके तो ये गलत अप्रोच है कि आपने अपनी कमियों से अपनी वैल्यू को डिग्रेड किया, ये गलत अप्रोच है। ओके ओके क्योंकि हम लोग देखिए अंदर आपके ब्रेन में जो जो भी गलत गलत कनेक्शन है, जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजों को रिड्यूस कर रहा है, जैसे मैं आपको बताऊं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम खुद की क्या वैल्यू कर रहे हैं, हम लोग अपना जैसे खुद पे कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, अपने आप को कितना वर्दी समझ रहे हैं, अपने को कितना रेस्पेक्ट दे रहे हैं, अपने को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने को कितना हम लोग लव कर रहे हैं, ये सब लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इनफैक्ट लाइफ की सबसे कीमती चीजें हैं ये। यस सर यस सर तो जहां मतलब इन्हीं इंपॉर्टेंट चीजों पे ठीक है रीजन कुछ भी हो, थोड़ा सा ये चीजें दब गई हैं तो हम लोग को बस समझ के गलत रीजन से उसको दबाना नहीं है। कोई और रीजन जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको अपनी वैल्यू कम करनी चाहिए? नहीं और कोई वजह नहीं, केवल अंडरस्टैंडिंग मुझे लग रहा है, ये मैंने शायद आपको लर्निंग पार्ट पहले भी बताया था, ये जो अंडरस्टैंडिंग एक पार्ट है ये भी इग्नोरेंस का ही पार्ट है। जो अंडरस्टैंडिंग किस अज्ञानता की विषय, तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो पा रही है, थोड़ा सा अगर आदमी विजडम रखे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप अच्छी होगी ना सर। वो तो ऑलरेडी हम लोग इस प्रोसेस में है। देखिए जब भी हम लोग कोई चीज सीख रहे होते हैं तो हम लोग की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही होती है, और जब हम लोग किसी से पर्सनली वो कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी इशू पे, तो वो वहां पे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, जहां पे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऑलरेडी हम लोग उस प्रोसेस में है, हम लोग ऑलरेडी इस प्रोसेस में। अभी हमारा जो फोकस पॉइंट है वो ये है कि जैसे आप ये बात समझ पा रहे हो ना कि अगर लाइफ में कोई इश्यूज है इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपने आप को अपनी आपको छोटा करके देखें, अपनी वैल्यू को कम कर दें, ये बात आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ गए सर, बिल्कुल ऑब्वियसली समझ गए कि अब हम एक्चुअल में क्या है कि जो हम जो भी हमारा वो पैटर्न बना हुआ था, जो उसकी वजह से क्या है कि हम अपनी वीक जो वीकनेस थी उन पे ज्यादा जाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को कम देख पा रहे हैं। तो हमें यही तो अंडरस्टैंड बनाने की हमारी क्या स्ट्रेंथ है, किस तरह से हम सॉल्यूशन ला सकते हैं अपने स्ट्रेंथ के थ्रू, अगर उसको बढ़ा लेंगे उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग खुद ब खुद बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली, उसके लिए हमें बस करना क्या है, देखिए उसके लिए हमें अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, इतना ही करना है, उसके लिए हमें अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। और एक चीज और है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन से गुजर रहे हो, वाट एवर जो भी है, लेकिन है कि आपको उस सिचुएशन से रिगार्डिंग जब तक आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं बना पाओगे उसके बारे में, आप सोर्स रिसोर्सेज आपको कुछ भी आप जब तक लर्न नहीं करोगे तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी नहीं, है ना। तो उस कंडीशन में जो भी सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल करना है वो आप जानते हो, लेकिन उससे रिसोर्सेज चाहिए, क्या उसमें सोल्यूशन हो सकता है, क्या उसका एडवर्स से एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है उसका। अगर आदमी उस चीज को सीख ले, उस चीज का उसको पता चल जाए, उसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर ले तो वो निकल जाएगा। नहीं ठीक है, आप तो अभी आपने जो बोला वो तो एक सिचुएशन को लेके शायद आपका फोकस किसी सिचुएशन पे पर्टिकुलर था कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। देखो मोस्टली तो जो लाइफ में आते हैं वो सिचुएशन ही ज्यादा वैरी करते हैं ना सर। लेकिन अभी जो मेरा जो पॉइंट है वो कुछ और है, अभी जो मेरा जो फोकस है, जो मेरा पॉइंट है वो ये है, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, हम लोग बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पे। ओके ठीक है, आप बोल रहे हो कोई भी सिचुएशन, अब आप ये बताओ सिचुएशन हैंडल कौन करेगा, कोई पर्सन हैंडल करेगा ना? नहीं, करना तो हमें पड़ेगा ना। एग्जैक्टली, सेल्फ करेंगे ना, हमें खुद करना है ना। तो हम लोग पहले जो जिसको सिचुएशन हैंडल करना है पहले हम लोग उसको तो स्ट्रेंथन कर ले,
जब वो स्ट्रांग होगा तो सिचुएशन का सोल्यूशन वो ढूंढ लेगा, बिल्कुल 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 अगर वो वीक रहेगा तो फिर वो नहीं ढूंढ पाएगा। समझ गया मैं आपकी बात, बिल्कुल समझ। तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं। देखिए आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है, देखिए हर एक पर्सन का कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ अलग अलग होता है, और हम लोग का जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है उसी पे हम लोग की जो सक्सेस है, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, उसी पे डिपेंड करती है। ये हम लोग का बॉटम लाइन है, और आपके इसी बॉटम लाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। यही आपका जो बॉटम लाइन है थोड़ा सा वीक हो गया है कुछ रीजन से। ठीक है, ये श्रिंक कर गया है, आपका जो सेल्फ है ना वो श्रिंक कर गया है कुछ गलत गलत कनेक्शन से, गलत थिंकिंग से, गलत परसेप्शन से। तो ये जो श्रिंक कर गया है ना, इसको हम लोग को फिर से नेचुरल स्टेट में लाने की जरूरत है। ठीक है, तो आपने जैसे एक रीजन मुझे शेयर किया था कि ये रीजन है जिससे मेरी सेल्फ वैल्यू लो होती है। अब आप समझ पा रहे हो कि हमारी लाइफ में कोई भी इशू होने का हमारे सेल्फ वैल्यू पे असर नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, इशू होने पे कोई हमारी जो वैल्यू है वो लो नहीं होनी है। आप क्योंकि देखिए इशू होना तो एक बिल्कुल अलग बात है, सबकी लाइफ में इशू है। इशू होना तो ठीक है, अगर हम लोग लाइव है तो इशू तो ठीक है, वो तो लाइफ का नेचर है। इशू को तो हम लोग को फिक्स करना है ना। अगर हम लोग अपने आप को छोटा कर लेंगे तो इशू हमारे पर डोमिनेट कर जाएगा, जो कि हो रहा है आपके साथ कहीं ना कहीं। कोई और रीजन जिसकी वजह से आपको लगता है आपको अपनी वैल्यू कम करनी चाहिए, कोई और रीजन आपके माइंड में? नहीं सर, और कोई रीजन नहीं है। कभी किसी ने आपको ऐसा कुछ बोला कि आपकी वैल्यू कम है या आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, कुछ ऐसा कुछ है आपके माइंड में, ऐसा कुछ हुआ कुछ जिसका होता है, बोल जाते हैं लोग बहुत। नहीं, क्या उसका असर है कुछ आपके माइंड पे? परसों कल कोई बात होगी थी, लेकिन मैं उसका जवाब मैंने वहीं पे दे दिया था उसको, बंदे को बैठे हुए थे 4-5 लोग, उसने कुछ ऐसी एडवर्स बात की थी, मैंने उसको वहीं बंद कर दिया था। उस पर जो कहने का होता, मैंने कहा यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, कह रहा नहीं, मैंने कहा मैं इस बात को याद रखूंगा, नहीं मैं तो भूल गया इस बात को, मैं आप भूल गए लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। रिलेटिव ही थे कोई बैठे हुए थे, मैंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड में उनको जवाब दे दिया। ठीक है, अब पास्ट में जाके देखो कि क्या कहीं कुछ आपको किसी ने कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से आपके माइंड में ये चीज बैठ गई कि आपने अपने आप को अंडर वैल्यू करना शुरू कर दिया, कुछ ऐसा है क्या? कुछ आप देखो पास्ट को अपना। नहीं सर, वो सब चीजें मैं देख पाया। अभी एक्चुअल में वही चीज है कि थोड़ा सा फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है अभी, जैसे 2-1 दिन से, तो फिजिकल लेवल की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बाकी तो इतना नहीं हो कि देखो सर मैं बहुत ज्यादा जैसे कि कोई भी एडिक्शन भी लगा सकता था, मैं इतने लंबे समय से जूझा भी, अपने आप को निकाला भी किसी ना किसी तरह से, चाहे मैं सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म पे लेके जाके अपने आप को निकाला कि यस लाइफ को सरवाइव करना, आगे बढ़ना है, कैसे ना कैसे करना है। लेकिन जब जाके मुझे लगा कि मुझे मेडिसिन से ज्यादा मुझे किसी और चीज की रिक्वायरमेंट है, तब मैंने इधर कंसल्ट किया। तो मैं 3-4 महीने से 4 महीने हो गए लगभग, 4 महीने से अपने आप को पुशअप ही कर रहा हूँ, आगे से बेटर बेटरमेंट के लिए ही कर रहा हूँ सर। एग्जैक्टली, तो ये सारे जो आपके एफर्ट्स हैं, इससे आपकी वैल्यू आपकी नजर में बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। अब लगता है कि यार फेस करना पड़ेगा, जब तक, क्योंकि अब तक क्या था कि मैं सर थोड़ा सा भागने की कोशिश करता था, लेकिन अब पहले क्या करता था कि मैं घर से बाहर निकलना ही पसंद नहीं करता, लेकिन मैं बोल्डली अब मुझे चाहे मेरा मुझे पीछे से आवाज आए कि यार नहीं ऐसा नहीं जाना, लेकिन नहीं मैं अब जाता हूँ, बाहर निकलता हूँ खूब अब। ठीक है, कोई और रीजन जिसकी वजह से आपको अपनी वैल्यू कम करनी चाहिए? नहीं सर, कोई और, देयर इज नो मोर रीजन फॉर दिस वन। अब इस मोमेंट में आपकी जो सेल्फ वैल्यू है, अब वो किस 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 पॉइंट पे आ रही है? आउट ऑफ 10 क्या आ रही है इस पॉइंट पे? अब आपकी सेल्फ वैल्यू आउट ऑफ 10 कहाँ आ रही है? 50-55 के आसपास, अराउंड 5 के आसपास तो आ ही रही है। ओके, ठीक है ठीक है, इसको और लोगों को इंक्रीज करने की जरूरत है। यस सर, वही चीज, वही अंडरस्टैंडिंग, वही इंक्रीज ऐसे होगा, इंक्रीज ऐसे होगा कि आप हर दिन जितना भी अच्छा कर रहे हो अपनी अच्छाइयों को देखना शुरू करो आप, या लिखना शुरू करो आप। अभी थोड़ा सा अभी आपके लिए एक्टिविटी करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, चलिए अभी कर लेते हैं। ठीक है, आप डायरी आप ओपन कर लीजिए, आप उसमें हेडिंग डालिए। ठीक है, माई स्ट्रेंथ लिखिए, बस माई स्ट्रेंथ, माई स्ट्रेंथ। यस,
ठीक है, अब आपको, अब आपके अंदर जो जो भी अच्छी चीजें हैं, मतलब जो जो भी आपके अंदर आपको अप्रिशिएबल लगता है, आप वो लिखना शुरू कर दो। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं भी वो बता दूंगा आपको, कहीं से भी आप स्टार्ट करो। लास्ट टाइम आपने मुझे शेयर किया था, मैं आपको बता दूं ताकि आपको वो नहीं सोचना पड़े जो आप ऑलरेडी आपने शेयर किया था। मैनेज थिंग्स इजली, हाँ, मैनेज थिंग इजली। व्हेन आई एम हैप्पी आई कैन डू एनीथिंग। देखिए, व्हेन आई एम हैप्पी आई कैन डू एनीथिंग को ना आप इसको केवल ये लिखिए, आई कैन डू एनीथिंग। ये किसी के भी साथ होता है कि कोई भी हैप्पी होता है तभी फंक्शनल रहता है। ओके तो जो ओके, कंप्लीट सेंटेंस है ये कि आई कैन डू एनीथिंग, यस सर, आई क्योंकि कैन डू एनीथिंग। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस तो अटेन हो ही जाएगी। हैप्पीनेस तो कोई बहुत मुश्किल चीज थोड़ी है, अगर हम लोग उसको मुश्किल समझेंगे तो ही मुश्किल होगी। तो जो जो कंप्लीट सेंटेंस है आई कैन डू एनीथिंग, जो जो मैसेज है वो ये है। ओके ओके ओके, फिर आपने शेयर किया था कि विलिंग टू हेल्प अदर्स ऑलवेज, यस सर, फिर इफ डिटरमाइन एनीथिंग यू कंप्लीट दैट, यस सर, कैन कन्विंस इजिली टू एनीवन, यहाँ, कैन कन्विंस इजिली टू एनीवन। यस सर, ठीक है, इसके अलावा और जो जो भी आपको, अब जैसे ये हो सकता है कि आपको अभी सब्जेक्ट की नॉलेज काफी हो गई है, ये भी लिख सकते हो कि आपको अभी काफी कुछ पता है इन चीजों के बारे में, जो भी आपकी जिस जिस पॉइंट पे आपकी नॉलेज अच्छी है वो भी आप लिख सकते हो। टेंस है कि मैं अपनी जो बात है उसको इजिली कन्वेंस कर लेता हूँ दूसरों को भी इजिली कन्वेंस कर सकता हूँ मैं। हाँ ठीक है, आप लिखो जो जो भी आपको स्ट्रेंथ याद आता जाए वो आप लिखते जाओ। आई कैन इजली कन्विंस अदर्स, ये कर सकता हूँ। आपका थोड़ा सा स्पिरिचुअल इंटरेस्ट भी है, अगर ये बात सच है तो ये भी लिख सकते हो आप, या आई एम स्पिरिचुअली इवॉल्व पर्सन। इनक्लाइंड। ठीक है, और आप लिखिए जो जो भी आपको ध्यान आता जाए अपने बारे में। आपसे अगर कोई पूछे आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तो आप कुछ इसका आंसर ढूंढ पाए अभी तक, कुछ बता पाएंगे इस चीज को लेकर, कुछ आप आंसर कर पाओगे इसे? पर्पज, अब ये पर्पज हो रहा है कि जो भी मेरे ड्रीम्स से पहले उनको फुलफिल करूंगा, पहले जो ड्रीम्स है उनको फुलफिल करूंगा, जो भी डिस्ट्रक्शन जो भी मुझे फेस करने पड़ेंगे आई हैव टू ओवरकम, मुझे ओवरकम करके जो अपने, अब मुझे ड्रीम्स देखने हैं, जो ड्रीम्स को मुझे पहले लाना है, नथिंग एल्स बिफोर दैट वन, ऑल ऑल आर बियॉन्ड दैट। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो ये भी कि आई एम इंटरेस्टेड या आई एम रेडी टू फुलफिल माई ड्रीम्स। या आई एम रेडी टू पर्सनल टेन, यस। और अब आप सोचो, आप और जो जो भी आपको अपने बारे में पॉजिटिव ध्यान आता है आप सोचो, केवल पॉजिटिव जो भी स्ट्रेंथ आपको जो भी ध्यान आता है। अगर आपको लगता है कि आपका जो अप्रोच है वो ऑनेस्ट रहता है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि ऑनेस्ट अप्रोच आप रखते हैं। यस, मेरा आई ऑलवेज कीप ऑनेस्ट अप्रोच। अगर आप लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि आई रेस्पेक्ट पीपल, अगर ये बात सच है तो। सही है सर, ये भी हाँ, ऐसे जैसे मैं बोलूँ आप ही सोचो कि जो भी आपके माइंड में है, अगर आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पूरी कर रहे हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि आई एम फुलफिलिंग, मीन्स आई एम प्लेइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई, आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई फैमिली वेरी गुड, अगर ये सच है तो आप ये भी लिख सकते हो। यस सर, बट नाउ आई डिसाइडेड टू टेक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय फैमिली। ठीक है, आई एम विलिंग टू, आप लिख सकते हो फिर। हम यस लोग को सर, वही लिखना है जो फैक्ट है, मतलब जो स्टेटस है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो, ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर पीपल आ गया, आप भी सोचो आपके माइंड में जो भी आता है। ओके, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। क्या आप खुद से, डू यू लव योर सेल्फ, क्या आप खुद को लव करते हैं, इसका आंसर क्या है? जो भी आप मुझे यस या नो में आप बता दो, वहां पे लिखना नहीं है आपको, मुझे बस ये आंसर बताना है, करता हूँ सर, लेकिन कंडीशनल है, कहीं ना कहीं अभी लैक है। लैक है। ठीक है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है जिसको हम लोग को अभी फिक्स लैक है, करना कहीं है। ना कहीं लैक है उसका भी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप जो कर रहे थे आप उसका आंसर और ढूंढो आप, और सोचो आप, और जो जो भी आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखती है, स्ट्रेंथ हो सकता है, अचीवमेंट हो सकता है, अच्छा इंटेंशन हेलो, हो सकता है, कुछ भी। हाँ, आपके स्ट्रेंथ पे हम लोग वर्क कर रहे थे। यस सर,
फाइन, ताकि हम लोग अपने जो जो सेल्फ इमेज थोड़ा सा वीक हो गया है उसको हम लोग थोड़ा हील कर पाए, उसको हम लोग इम्प्रूव कर पाए। यस यस ठीक है, तो देखिए जो भी जिस भी पर्सन की सेल्फ इमेज अच्छी होती है, ठीक है, उसमें यही सब यस ट्रेट्स होते हैं। वो अपनी वैल्यू करता है, अपने ऊपर ट्रस्ट करता है, अपनी वर्थ को समझता है, यही सब एलिमेंट्स होते हैं जहां पे वो स्ट्रांग होता है, जहां पे आप किसी रीजन से वीक हो गए हो आप। ठीक है, ओके तो हम लोग जितना अपने स्ट्रेंथ को हम लोग उस पर सोचना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे, उतना वो हमारे वैल्यू को, एक्सेप्टेंस को, सेल्फ एक्सेप्टेंस को, सेल्फ लव को, इन फैक्टर्स को इम्प्रूव करेगा वो। ओके ठीक तो इसको हम लोग को और डीपली अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और आप पॉइंट्स लिखो, आप अपनी स्ट्रेंथ हम लोग लिख रहे थे, और पॉइंट्स आप लिखो। जैसे एक पॉइंट ये हो सकता है कि आपका जो IQ है वो अच्छा है, आप चीजों को थोड़ा सा फास्ट ग्रेस्प कर लेते हो, समझ लेते हो, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यस सर आपकी आपका जो फेथ लेवल है वो अच्छा है कि आप फेथ कर पाते हो, जैसे आप फेथ कर पाए इस प्रोसेस पे, तो ये भी आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप फेथ कर पाते हो, क्योंकि बहुत से लोग फेथ ही नहीं कर पाते बहुत से लोगों का डाउट डोमिनेट करता है, तो ये एक अच्छी चीज जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। या अगर ये बात सच है तो आप लिख अभी सकते मेरे हो। को हाँ नहीं, फेथ तो सर करना पड़ता है। विदाउट फेथ तो देखो कोई भी चीज है, जब तक आप फेथ नहीं करो तो कोई भी डिजायर आपके नहीं पूरे हो पाएंगे। फेथ एग्जैक्टली, तो ये आपकी तो स्ट्रेंथ करना है होगा, ना, तो फेथ ये आपकी स्ट्रेंथ है ना, ये तो सब लोग नहीं कर पाते, इसीलिए बहुत से लोग सफर करते हैं। ये बात सही है आपकी, यस सर लेकिन बहुत से लोग नहीं कर पाते, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को तो समझना है ना कि आपकी ये स्ट्रेंथ। आप और लिखो, और क्या यस क्या स्ट्रेंथ आपको जो भी ध्यान आ रहा है। और स्ट्रेंथ ये है कि अभी मेरे को याद आई थी, मैं भूल गया। आप ओपन टू लर्निंग हो, आप क्योंकि लर्निंग में इंटरेस्ट होना ये भी एक बहुत स्ट्रेंथ वाली बात है, बहुत ये काइंड ऑफ अचीवमेंट या स्ट्रेंथ है। आप ये भी लिखो, बहुत लोगों में ये भी नहीं होता, आप ओपन टू लर्निंग हो, ये तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। आई एम ओपन टू लर्न। ओपन टू लर्निंग, मैं जब तक एक स्ट्रेंथ है कि किसी भी चीज की, अगर मैं किसी चीज पे अगर एक्सप्लोर करता हूँ तो उसकी डेप्थ तक पहुंच जाता हूँ। ठीक है, आप इसको सेंटेंस के फॉर्म में आप लिखो। वॉट एवर आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, वॉट एवर आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, डू इट कंप्लीटली। हाँ एक्सप्लोर एंड डू इट कंप्लीटली। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों को लेके आपकी इंटेंशन अच्छी होती है, अगर ये सच है तो आप ये लिख सकते इंटेंशन हो। इंटेंशन भी ठीक है, और एक मेरे अंदर ये खूबी है कि मैं, मुझे जो भी कहना होता है मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड में कह देता हूँ। जब अगर कोई थोड़ा सा भी हर्ट करता है या कुछ जरा सा भी वो करता है तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ उसको। मुझे ठीक लगता है है, कि उस साइड से कुछ गलत है तो ठीक मैं है, ठीक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड करके उस चैप्टर को मैं क्लोज भी कर देता हूँ बहुत जल्दी। है, आप लिखो इसे कि आई एक्सप्रेस माई सेल्फ डायरेक्टली या आई टॉक स्ट्रेट, जो भी आपको ठीक लगे। आई डू आंसर वेरी स्ट्रेटली कह सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपका गॉड में फेथ है तो वो भी एक पॉइंट हो सकता है। अगर आपका गॉड में, हायर पावर्स में फेथ है तो आप वो भी लिख सकते हो कि आई डू हैव फेथ इन गॉड। फेथ सर था पहले, लेकिन जब से ये ज्यादा रहा तो बहुत ज्यादा फेथ नहीं, क्योंकि फेथ इसलिए बनाया कि अंडरस्टैंडिंग मेरी अच्छी नहीं थी। गॉड ऑलवेज मेरे साथ रहा लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैं अपना फेथ नहीं बना पाया बहुत ज्यादा। इस मोमेंट की क्या रियलिटी है, इस मोमेंट की रियलिटी आप बताओ। इस मोमेंट में लग रहा है कि आई डू हैव फेथ, हाँ आई तो शुड ठीक है, डू हैव फेथ। अगर इस मोमेंट में, तो आप लिख सकते हो, हम लोग तो इस मोमेंट में ही है ना अभी, तो आप ये भी लिख सकते हो कि आई स्टिल हैव, आई स्टिल कैन डू अलॉट इन माय लाइफ, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, यस सर अभी भी वो पॉसिबिलिटी आई है। स्टिल कैन डू अ लॉट इन माई लाइफ, इन माई रेस्ट ऑफ माई लाइफ डू अ लॉट आप इन। नंबर्स डाल के इसे लिख रहे हो या आप बुलेट करके लिख रहे हो, नंबर्स आप डाल रहे हो या बिना नंबर के लिख रहे हो। मैं इनको नंबर से लिख रहा हूँ, ठीक है, कितने नंबर पे हम लोग आ गए। ये हो गए 8, 9, 10, 11, 12 हो गए। ठीक है, आप और लिखो।
मैं बहुत जल्दी इजली इंटरेक्ट हो जाता हूँ, इजली इंटरेक्ट विद अदर्स, आई इजली मिक्सअप आप हो जाते हो. या इजली इंटरेक्ट हो जाता हूँ। ठीक है आप लिखो. आई इजली मिक्सअप विद पीपल या इंटरेक्ट, तो मिक्सअप बोलेंगे उसको कि मिक्सअप हो जाना. इंटरेक्ट तो ठीक है, इंटरेक्ट ज्यादा इजी, मिक्सअप हुआ ना मेन तो. हाँ, मिक्सअप विद अदर्स। हाँ ठीक है ठीक है. फिर एक और जो पॉजिटिव चीज है कि अभी आपके पास टाइम है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो कंस्ट्रक्टिवली. आपके पास और रिसोर्स है, आप बहुत से एस्पेक्ट में ठीक हो, जो जो भी आपके स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है वो भी आप लिख सकते हो ओके, मैं इसको जहाँ. कर दूँ। हाँ जी, हाँ हाँ जी। ठीक है, आप इसको और लिख लेना. ठीक अब है सर एक चीज सेंट. कि हाँ जो भी मैं नया करने की कोशिश करता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे जो मेरा सबकॉन्शियस है वो रेसिस्ट करता है। वो क्यों करता है सर ऐसा? उससे कैसे ओवरकम करें ये बताइए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे. जैसे कि मैं बोलना चाहता हूँ, वो एकदम कोई ना कोई थॉट्स आएगा या कुछ ऐसा आएगा कि बोलने का मन सा, जैसे अब आपके साथ मैं दिन में नहीं बोल रहा था, लेकिन जब आपके साथ बोलना शुरू किया तो बोलना हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मैं ज्यादा साइलेंट ही रहने की कोशिश करता हूँ, रहता हूँ, कुछ बोलता हूँ या सोचता हूँ तो हल्का सा पेट में या वैसे कुछ हार्ट बीटिंग में थोड़ा सा हल्का सा बहुत है, उसे मैं अवॉइड कर जाता हूँ। क्योंकि वो पहले ऐसे ही रेसिस्ट होता था ना, तो वही अभी भी थोड़ा सा रेसिस्ट करता है, लेकिन फिर जब सोचने लगता हूँ तो फिर थोड़ा हो भी जाता है। नहीं देखिए, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात से वो ये आ रहा है ना कि जैसे आपका जो फोकस है, मतलब हमें फोकस एग्जैक्टली कहाँ करना चाहिए, किस चीज पे करना चाहिए, वो थोड़ा सा आपका वीक है. मतलब आप ना कई बार स्टक हो जाते हो. मतलब यस सर, जैसे ना हम लोग को ना हमेशा अपनी आउटकम क्या चाहिए, प्रायोरिटी क्या है, अपना फोकस, आप उतना अपने फोकस के साथ ना बहुत उसको अच्छे से आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो. आप जैसे आपका आपका जो अटेंशन है ना या जो फोकस है, कई बार वो स्टक हो जाता है. मतलब वो ड्यू टू शायद क्लैरिटी की कमी की वजह से, या कई बार आपका जो प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस है वो थोड़ा ज्यादा है. मतलब सॉल्यूशन कॉन्शियसनेस को हम लोग को फोकस करना चाहिए. आपका जो प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस है लंबे टाइम से की हैबिट की वजह से, वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप प्रॉब्लम में स्टक कर जाते हो. यस तो उसको उसको ये कि हम लोग को अपने फोकस को शिफ्ट करना है. वही दो तीन तरीके हैं, सॉल्यूशन कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कर लेना, अपने क्वेश्चन को चेक कर लेना. क्वेश्चन से क्या होता है, फोकस शिफ्ट हो जाता है. जैसे आप अपने आप ही यस क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या मैं सही चीज सोच रहा हूँ. हमारा माइंड का जो इंटेलिजेंस है ना, वो नेचुरली आंसर करता है कि नहीं, ये क्या सोच रहा हूँ. मतलब राइट चीजों पर फोकस करो, तो फोकस शिफ्ट से यस वो इशू हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे. और आपके ज्यादातर जो इशूज है, मैं आपको बताऊँ, आपके लो सेल्फ इमेज से आ रहे हैं, जिसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके ओके ओके। फिफ्टीन फाइन, आपने देखिए इतने स्ट्रेंथ लिख लिए अपने. फिफ्टीन हो गए। हाँ ठीक है, अब देखिए हम लोग कुछ समझते हैं. मतलब देखिए जैसे, मतलब आप इसको लिख भी सकते हो या पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे, जी सर, कि ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से आप अपनी वैल्यू कम करो आप. और अगर आपको ऐसा कोई भी रीजन लगता है तो वो लाइफ के इश्यूज हैं, और इश्यूज समझ के उसको हमें फिक्स करना है. लाइफ पे अपने इश्यूज को ना, अपनी आइडेंटिटी पे असर नहीं आना चाहिए, कि अपने इश्यूज को ना अपने सेल्फ इमेज से, अपनी आइडेंटिटी से हम लोग को रिलेट करके नहीं देखना है. ओके देखिए अगर कोई भी इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, उससे अपने आप को डिफाइन नहीं करना है. आपके साथ क्या हुआ कि आपने अपनी जो प्रॉब्लम है, मतलब उसको ना अपने डेफिनेशन में आपने ला दिया. ओके ओके ओके, आप समझ पा रहे हो इस बात को? समझ गया, मैं कभी समझ रहा हूँ भी आपके। हमारे जो इश्यूज होते हैं, कभी भी हमारे जो प्रॉब्लम होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के प्रॉब्लम हो, वो ना हमारे डेफिनेशन को इम्पैक्ट नहीं करने चाहिए. मैं समझ पा रहा हूँ कि जो हम प्रॉब्लम है उसको अपनी मान लेते हैं, कि हाँ अपनी वो, अपना 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 समझ लेते हैं कि हमारा हम मेरे मेरी गलती से है, या मैं उसको अपनी आइडेंटिटी बना लेता हूँ। हाँ वो आपके आइडेंटिटी, आपके आपके डेफिनेशन में आ जा रहा है. मतलब वो आपके अबाउट मी में आ जा रहा है. मतलब वो गलत अप्रोच है. और जबकि हमें होना चाहिए प्रॉब्लमेटिक, जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम हाँ इश्यू ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब देखिए, इशू को अपने से ना चिपकने नहीं देना चाहिए. मतलब इशू इशू ठीक है, इशू मतलब थोड़ा सा ना दूर रहना चाहिए. मतलब जैसे हम क्या, हम ठीक है, मतलब हमारा एक सर्कल है और ठीक है कुछ इशूज है लाइफ में, ये अप्रोच हम लोग को रखना है. आपके साथ क्या हो रहा है कि वो जो इश्यूज है ना, आपके सेल्फ, जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के सर्कल में घुस गए हैं और उसको डैमेज कर दिए. मतलब काफी
सही बात है, वो जो डैमेज हो गए ना, हम एक्चुअल में जो हम हैं, जो हम हैं, हम अपनी उसको नहीं समझ पा रहे कि हम इन सबसे ऊपर हैं। जो हमारी जो वो होनी चाहिए कि ऊपर हमारी भी है जो और प्रॉब्लम, अलग भी है, मतलब उनसे अलग है, मतलब वो इश्यूज इश्यूज अपनी जगह है और हम अपनी जगह है, जो दोनों एक दूसरे से कहीं किसी पॉइंट पे कनेक्ट होते होंगे, लेकिन हमारे इश्यूज हमें डिफाइन नहीं करते हैं। सही बात है। तो ये थोड़ा सा इसको ये डीपली आप अंडरस्टैंड करने की आप कोशिश करो थोड़ा। डीपली तो अंडरस्टैंड ये अपने एक जो, अगर हम स्पिरिचुअली या सोल लेवल पे अगर हम अपने आप को डिफाइन करें कि हम ये बॉडी माइंड और जो भी प्रॉब्लम है ये हमसे है, हम इससे नहीं है। ठीक है, जैसे भी आप इसको समझो, देखिए मेन रीजन ये है कि देखिए अपनी वैल्यू कम करना एक ये सिन के तरह है, मतलब इट्स अ सिन, ये पाप है, मतलब ये खुद के साथ इनजस्टिस है। क्योंकि देखिए आप अपनी वैल्यू कम करोगे तो फिर दूसरे आपकी वैल्यू ज्यादा कैसे करेंगे। यस सर, यस सर, यस और सर, वैल्यू मान लीजिए आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हो तो कोई कोई वैलिड रीजन तो हो ना, बिना किसी रीजन के अपनी वैल्यू को अपने आप को डिग्रेड करना, ये तो मतलब ये तो सिन है ना, ये तो पाप है, ये तो खुद के साथ इनजस्टिस है। और आप खुद के साथ जब इनजस्टिस करोगे तो दूसरों को भी तो आप अट्रैक्ट करो ना कि डू इनजस्टिस विथ मी। यस सर, यस सर, तो हमारी जो वैल्यू है, क्योंकि देखिए हमें तो मतलब जो भी आप उसको गॉड कहिए कुछ भी बोलिए, उसने बनाया ना, तो उसने तो हमें कंप्लीट बनाया है। हर बच्चा कंप्लीट होता है। वो मैं समझ गया। बच्चा जब इनिशियल होता है वो अगर मतलब 10 बार भी गिरता है वो 10 बार उठता है, उसके अंदर पावर भी होती है, उसके अंदर कोई फियर नहीं होता, कहीं नहीं होता। फियर केवल दो ही थे, एक तो गिरने का और एक साउंड का, दो फियर थे जो, बाकी कोई फियर नहीं दिया भगवान ने, कोई फियर होता ही नहीं है। वो सब सेल्फ मेड है, हमारे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, बिहेवियर है। ठीक है, तो वही जो मेन पॉइंट है, फिर से मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ कि अपनी जो वैल्यू है हाँ उसको, लिख अब हमारी आपकी जो वैल्यू है उसको जी, डिग्रेड करना, मतलब या तो कोई बहुत स्ट्रांग रीजन हो तो आप मुझे बताइए, आप ढूंढो कोई रीजन उसका, अपनी नहीं वैल्यू अच्छा को छोटा करना, कोई भी रीजन आप ढूंढो, कोई भी वैलिड रीजन। आप इश्यूज लाइफ में, तो सबके लाइफ में इश्यूज कुछ ना कुछ होते हैं। इश्यूज होना तो ठीक है, इश्यूज तो निशान है कि कोई पर्सन अगर एफर्ट्स कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ग्रो कर रहा है। देखिए सबकी लाइफ में इश्यूज है, और इश्यूज से ही पता चलता है, कई बार हमारे जो इश्यूज है ना उसी से हमारे ग्रोथ का पता चलता है। जैसे मान लीजिए जो लोग ITR भरते हैं, जो लोग टैक्स भरते हैं, उनके इश्यूज अलग है, उनको टैक्स देने का पेन होता है। और जो लोग ITR नहीं भर पाते, उन लोग की लाइफ में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का पेन रहता है। इश्यूज तो दोनों की लाइफ में है, लेकिन एक इशू मतलब कुछ इशूज से बेटर होते हैं। जैसे जिन कुछ लोग का नेटवर्क बहुत ज्यादा होता है तो उन लोग को प्रोटेक्शन करना होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है, ये सब कुछ करना होता है, उनकी लाइफ में ये इशूज है। जिसके लाइफ में नहीं है उसके साथ अलग इशूज है। तो इश्यूज होना, इश्यूज से हम लोग अपने आप को डिफाइन थोड़ी करेंगे, इश्यूज का तो सॉल्यूशन ढूंढेंगे। क्योंकि देखिए अपने प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढने में ही तो हम लोग ग्रो करते हैं ना, एज ए पर्सन इवॉल्व होते हैं। तो इश्यूज होना तो कई बार अपॉर्चुनिटी है, मतलब क्योंकि लाइफ में बिल्कुल देखिए ज्यादातर लोग लर्निंग क्यों करते हैं, इश्यूज का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। क्यों लोग स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, कुछ पेन होता है उसका सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते वो स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर जाते हैं। तो इश्यूज होना तो कई बार अच्छी अच्छी निशानी है, मतलब कोई वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, इश्यूज का इश्यू सॉल्यूशन नहीं ढूंढना ये प्रॉब्लम है। इश्यूज होना तो एक तरीके से वो अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं ना इश्यूज, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि इशू होगा, पेन होगा, तभी तो सीखेंगे कोई, तभी तो कोई सीखेगा। सही बात है, बिल्कुल तो इशू होने की वजह से अपनी 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 वैल्यू को कम करना, ये तो अनहेल्दी अप्रोच है। ओके सर, बिल्कुल इस बात को आप डीपली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? या फाइन, इसी से रिलेटेड है अपनी वर्थ को लेके, मतलब वैल्यू या वर्थ, सेल्फ वर्थ होती है ये। सेल्फ वर्थ। अब आप अपनी सेल्फ वर्थ, आपको आउट ऑफ 10 की अगर हम बात करें इस मोमेंट की, आप अपनी सेल्फ वर्थ को क्या बोलोगे आप आउट ऑफ 10? 5, अराउंड 5 तो होगी। ठीक है, अगर 5 पे है तो हमें वो भी इंक्रीज करना है, 7, 8, 9 तक होना चाहिए वो। कैसे होगा? अपने मतलब अपने पॉजिटिव चीजों को देखना, अपनी अपनी अच्छाइयों को देखना, उनको इंक्रीज करना, खुश रहना, मतलब। क्योंकि देखिए जब ये चीजें इंक्रीज होंगी ना, तब आप ऑटोमेटिकली जो हैप्पीनेस है ना, वो इसका बाय प्रोडक्ट होता है। और सेल्फ आपको आपको रीजन ढूंढना है। देखिए अगर आपको आप अगर अपने जैसे अपनी सेल्फ वर्थ को लेके, अपने सेल्फ वैल्यू को लेके
अगर आपको कुछ डाउट है तो उसको रीजन ढूंढना है आपको. अगर आप रीजन ढूंढोगे तो कोई रीजन ही नहीं मिलेगा आपको, कोई रियल रीजन नहीं मिलेगा. और जो इश्यूज है, इश्यूज को तो रीजन क्यों बनाना, इश्यूज तो अलग से चीजें है ना. मतलब इश्यूज को अपने ऊपर डोमिनेंट नहीं करना, हमें उनको डोमिनेंट करके, मतलब उनको उस पे डोमिनेंट करके उससे बाहर निकलना है इश्यूज देखिए को। इश्यूज को हमें डिफाइन, मतलब देखिए इश्यूज का हमें ऐसे यूज नहीं करना कि हम इश्यूज, हमारे जो लाइफ के इश्यूज होते हैं हमें डिफाइन नहीं करते हैं. वो बस इश्यूज है, मतलब वो इश्यूज है जिसका हमें सॉल्यूशन ढूंढना होता है, जिसको हम लोग को हील करना होता है. वही चीज तो मैं कह रहा हूँ कि जो इश्यूज है उस पे डोमिनेंट होके काम करेंगे तो इश्यू को रिजोल्व कर पाएंगे ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, उनको डोमिनेट नहीं होने देना ना इश्यूज को अपने ऊपर। एनी हाउ अगर हम एक्सेप्ट करें कि एनी हाउ आई हैव टू चेंज, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसके लिए जो है उसको सोल्व करने का कहीं ना कहीं से रास्ता तो मिल ही जाएगा ना। ये मैंने देखा है पहले अर्ली लाइफ में कि अगर कोई इश्यू आ गया और मुझे करना है तो एनी हाउ कैसे भी मैंने वो पॉसिबल बनाया, वो बना दिया था। ठीक है. अब हम लोग को यहाँ पे ना कुछ बिलीफ की जरूरत पड़ेगी, जो मतलब जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग कुछ बिलीफ लिखते हैं हम यहाँ पे. जी बताइए। आप एक हेडिंग डालो, माइंड योर रियलिटीज, और इसको आप लिखोगे. ठीक है, अभी यहाँ पे लिख लो, फिर हम लोग उसको देखते हैं और कहाँ लिखना है. या आप अपने उसको ओपन कर लो, आप ये नोटपैड को ओपन कर लो आप. नोटपैड को चलिए माइन्यूरिटी जहां पे पहले लिखा हुआ है। माई न्यू रियलिटी आपने एक पहले लिखा था ना. यस सर, वो तो याद है मुझे, सारे लिखे भी मैंने, दिन में भी लिख के देखे थे वो। ठीक है, आप एक फ्रेश पेज पे आप आ जाओ, नोटपैड पे, आ नोटपैड गया के एक सर, फ्रेश पेज पे आ जाओ. फिर से आप हेडिंग डालो माई न्यू रियलिटी, डाल दिया सर। और ब्रैकेट में आप लिखो सेल्फ लव, ब्रैकेट में सेल्फ लव. यस सर, अब आप पहला सेंटेंस लिखो कि नाउ आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, नाउ माई एक्सेप्ट माई सेल्फ, यस सर, नाउ आई नाउ एक्सेप्ट आई माई, एक्सेप्ट माई हाँ, सेल्फ। नाउ आई एक्सेप्ट माई सेल्फ कंप्लीटली. कंप्लीटली नेक्स्ट, एक्सेप्ट हो गया. नाउ नाउ आई आई लव माई सेल्फ. नाउ आई लव माय नेक्स्ट, नाउ आई एम एट ईज विथ मी, नाउ आई एम एक्ट विद एट, ईज विद मी हाँ, नाउ आई एम एट ईज विथ मी. Is with me. नेक्स्ट, आई Yes, एम अ sir. वर्दी पर्सन, आई एम अ वर्दी पर्सन. Yes. नेक्स्ट, इसी कॉन्सिक्वेंस में अगर आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा है तो आप बताओ, इसी फ्रिक्वेंसीज में अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है तो. ठीक है, आप नेक्स्ट लिखो, नाउ नाउ आई ट्रस्ट माय एबिलिटीज, नाउ आई ट्रस्ट माय एबिलिटीज कंप्लीटली. एबिलिटीज कंप्लीटली। नाउ माय आई ट्रस्ट माय एबिलिटीज कंप्लीटली. नेक्स्ट, नाउ आई कितने ट्रस्ट स्टेटमेंट हो गए ये? फाइव। ठीक है, आपके मन में अगर कोई ऐसा थॉट आ रहा है जो जरूरत है जिसको हम लोग को रियलिटी में कन्वर्ट करने की, तो आप बोल सकते हो. कुछ आ रहा है आपके माइंड में? या नाउ आई कैन स्पीक मोर फ्रिक्वेंटली। स्पीक मोर फ्रिक्वेंटली. या नाउ आई कैन स्पीक व्हेन एवर आई वांट टू स्पीक। जी नाउ आई यस, कम्युनिकेट, कम्युनिकेट इजली, वेरी इजली। हाँ नाउ आई कम्युनिकेट, ठीक है, इजली, एंड एफर्टलेसली। एंड एफर्टलेसली, नहीं, इजली कॉमा हैप्पीली. हैप्पीली एंड फियरलेसली, एंड फियर ले। फियरलेसली. यस ठीक है, इसके बाद फिर
क्या क्या सेंटेंस एक बार आप पढ़ के बताना पहले नाउ से. आई एक्सेप्ट माई सेल्फ कम्प्लीटली, नाउ आई लव माई सेल्फ, नाउ आई एम एक्ट विद ईज, ईज विद मी, आई एम वर्दी पर्सन, नाउ आई ट्रस्ट माई एबिलिटीज कम्प्लीटली, नाउ आई एम, नाउ आई कम्युनिकेट ईजली हैप्पली एंड फियरलेसली. ठीक है. लव को लेके तो आया नहीं स्टेटमेंट, एक लव को लेके तो है ना, आई लव मी. Now I love myself. आइए ठीक है ठीक है. टोटल कितने सेंटेंस हो गए ये? सिक्स सेंटेंस हो. ठीक है सिक्स है रहते. ठीक है एक सेंटेंस और लिखो आप इसमें. ठीक है. नाउ Now आई I वैल्यू value एंड रिस्पेक्ट respect myself myself more than anyone in the world, more than anyone in the world. the world. Yes sir. Now I value and respect myself more than anyone of the in the world. ठीक है. अब ये वो चीजें मतलब ये हम लोग को इंड्यूस करने की जरूरत है जो अल्टीमेटली आपके सेल्फ इमेज को बूस्ट करेंगे. लास्ट टाइम हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किया था, वो तो एक अप्रोच था, मतलब उसमें कुछ बिलीफ भी थे लेकिन एक अप्रोच था. जैसे हम लोगों ने इसमें ये मेंशन किया था, एक बार मैंने बताया था, वो तो एक अप्रोच था कि रेस्पेक्ट योर सेल्फ मोर देन एनी वन इन द वर्ल्ड. ठीक है, वो एक अप्रोच था. अभी हमने जो लिखा है ये लोग बिलीफ इंड्यूस करेंगे. जो माइंड न्यू रियलिटी है ये हम लोग की बिलीफ है. जैसे एक अप्रोच था कि खुद नो यू, रेस्पेक्ट यू, चूज थॉट एंड एक्शन विच इंक्रीजेज योर रेस्पेक्ट इन योर आईज. ठीक है, ऑलवेज प्रोटेक्ट योर सेल्फ रेस्पेक्ट. ये सब अप्रोच था कि कट ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव सोर्सेज हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू वैल्यू यू, कीप एक्सपेंडिंग स्ट्रेंथनिंग योर सेल्फ बाई लर्निंग एंड डूइंग. ये अप्रोच था, ये हम लोग के बिलीफ है. अभी हमने जो लिखा है ये हम लोग बिलीफ इंड्यूस कर रहे हैं. ये बिलीफ जो भी आपके आपकी पर्सनालिटी में जो भी वो चीजें थी, जैसे जो लो सेल्फ इमेज को कैरी करने वाले जितने भी बिलीफ थे, उसको ये ब्रेक कर देगा.